दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी लर्निंग में तो आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीयू आपने बचपन में बहुत ही सुना होगा क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसे कितने पार्ट्स होते हैं और इसके के डिटेल के और आगे मैंने डायग्राम भी आपके लिए बनाई है उसके ज़रिए मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा तो चलिए चलते हैं द कंट्रोल यूनिट एंड द आर्थमेटिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम का ये दोनों मिलकर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट को बनाते हैं द सी पी यू इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर ए कंप्यूटर जो ये सी पी होता है ये कंप्यूटर के लिए कंट्रोल सेंटर है देयर फॉर इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है आप इस बात को नोट कर दीजिएगा द मेजर सेक्शन ऑफ सी पी आर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट इसके दो सेक्शन होते हैं सी के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है लॉजिक यूनिट क्या होता है द एल यू परफॉर्म्स द अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द डाटा एज द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये क्या परफॉर्म करता है लॉजिक ऑपरेशन यानी कि जैसे लॉजिक ऑपरेशन जैसे मैथमेटिक सवाल को सॉल्व करना कि जो हम डाटा देते हैं उसको सॉल्व करना ठीक है इसलिए वो एग्जीक्यूट होता है वो डी कोडिड इंस्ट्रक्शन जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डी कोडिड होके परफॉर्म होता है डी कोडि डी कोडिड इंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ डी कोडिड इंस्ट्रक्शन मतलब कि वो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका निष्पाचित होता है इट कैन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ये सभी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जैसे एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्स्ट्रा एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो हम एडिशन जो भी जो जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ये जो सब एल यू ही परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट आ गया हमारा द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द इंटरप्रिटेशन फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द डाटा इन्फॉर्मेशन सी यू सेंड्स कंट्रोल सिग्नल द रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर डन प्रॉपरली बाई ए एल यू जैसे ही एल यू का फंक्शन परफॉर्म होता है वैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है वो एल यू की को देख कर कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है बाकी सब ऑपरेशन जो भी लास्ट में आउटपुट देना होता है यूज़र को वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑन द डाटा जो हम डाटा देते हैं उस पर वो कंट्रोल यूनिट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता द कंट्रोल यूनिट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल यूनिट है ये एक्ट एज ए सी एन एस जैसे काम करता है जैसे हमारे ब्रेन में होता है सी एन एस वैसे ही कंट्रोल यूनिट में भी सी एन सी एन एस जैसे ही काम करता है इट ऑपटेन्स इंस्ट्रक्शंस फ्राम द प्रोग्राम स्टोर इन मेन मैमरी ये ऑप्टेन करता है इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मेन मैमरी में ठीक है उसको इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन उनको तोड़ता है एंड ईशू सिग्नल जैसे ही तोड़ता है वैसे ही वो सिग्नल्स भेजता है विच काज अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम इस इसी कारण जो अदर यूनिट्स होते हैं सिस्टम के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है अब स्टोरेज यूनिट आ गया इन कंप्यूटर्स डाटा कैन बी स्टोर इन डिवाइज का स्टोरेज यूनिट कम्प्यूटर्स को डा डाटा जहाँ पर स्टोर किया जाता है उनको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट दिस स्टोज आर ओफन रेफर्ड एज मेमरी डिवाइज इनको बोला जाता है एज ए मेमरी डिवाइजिज द मेमरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड एज ए मेन मेमरी और प्राइमरी मेमरी एंड इज़ थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ये याद रखने वाली चीज़ें दोस्तों ये थर्ड कंप्यूटर थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या किसको बोलते हैं मेन मेमरी और प्राइमरी मेमरी इसको हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर एंट्री इनटू द कंप्यूटर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर में और जब वो एंटर करते हैं सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इनपुट्स के थ्रू इनपुट यूनिट्स के इनपुट यूनिट्स क्या क्या हो गया कीबोर्ड माउस जो भी हो गया हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट जैसे ही हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें थोड़ी मेमोरी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है ठीक है बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट जब एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले सिमिलरली द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर जैसे ही कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी कैप्ट समवेयर जैसे कि हम कंप्यूटर को बोल इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी uh, की जरूरत पड़ती है और जैसे ही वो हमें आउटपुट देता है उसे भी स्टोर करने के लिए कहीं भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ठीक है मस आलो कैप्टवेयर इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर पास ऑन द इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट्स के पास होने से पहले उनको मेमोरी यूनिट्स में भेजा जाता है मोर ओवर द इंटरमीडिएट रिज़ल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर मस्ट आल्सो बी फॉर ऑन गोइंग प्रोसेस जो भी हमारा आउटपुट रिजल्ट जो भी निकलता है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है कुछ देर के लिए ओ कंप्यूटर के अंदर तो चलिए हम मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो ये मैंने डायग्राम बनाया है जैसे कि हम इनपुट देते हैं मैं आपको समझाऊंगा जैसे ही हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट समझ लीजिए हम कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि टू प्लस थ्री ठीक है ये आ गया इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट कौन से कौन से होते हैं जैसे की बोर्ड होता है माउस होता है ऐसे हमें टी टू प्लस थ्री हमने ये हमने और इनपुट दे दिया है इसमें यानी कि डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कंप्यूटर को ठीक है अब हमें क्या करना होगा अब ये इंस्ट्रक्शंस जाएगी सीधा है पहले इसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ेगी या फिर ये सेकेंडरी या प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा जैसे ही ये स्टोर होगा वैसे ये एल यू अर्थमेटिक लॉज या फिर इंस्ट्रक्शंस दे दिए अब वो सेकेंडरी या प्राइमरी स्टोरेज में जाकर स्टोर हो गया है अब वो क्या अर्थमेटिक लॉजिंग क्या करेगा ये क्या ये मैंने आपको बताया था एल यू क्या क्या, क्या, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ए एल यू पर फंक्शन परफॉर्म करता है एडिशन ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर जो भी हम होते हैं ये एल यू ही परफॉर्म करता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये परफॉर्म करता है ठीक है अब ए एल यू का फंक्शन ये है कि वो अपनी जो भी टू प्लस थ्री है इसको कैलकुलेट करे इसने जब कैलकुलेट कर दिया तब तो ये कंट्रोल सिग्नल्स को बता फिर ये कंट्रोल का सिग्नल्स का काम आएगा कि ये आगे जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा जैसे कि टू प्लस थ्री रिजल्ट टू फाइव होता है ये सब निदेशक किसी को देगा आउटपुट यूनिट को कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा आउटपुट यूनिट्स को आउटपुट यूनिट्स इसमें क्या आएगा स्क्रीन आएगा क्योंकि स्क्रीन में ही हमको शो हो होगा इसलिए ये कंट्रोल यूनिट्स आउटपुट यूनिट को सिग्नल सेंड करेगा कि वो आंसर शो करे तो इसलिए हमें स्क्रीन में आउटपुट यूनिट में शो हो जाएगा कि सिग्नल में कि आंसर टू प्लस थ्री इज फाइव है और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि आपको बल्कि जब तक ही आजकल तो मैकेनिकल बहुत ही कम वो आ गए हैं कैलकुलेटर्स दो मिनट में आपका जवाब निकल आता है तो शुक्रिया आपका दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए थैंक यू